Welcome back to program How to Speak in English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya. Guys, helping you to get a better understanding of English language and also enabling you to speak fluently, grammatically and with confidence and authority. Guys, without delaying, let's jump to topic itself, and today we are taking politeness, very important chapter, politeness in speech. Politeness. Politeness का मतलब उसका विनम्रता. So, English is a language which is entirely devoted to the cultured society. Say, in a cultured society, it is a mandatory reading, writing, and speaking. All these things are mandatory. So, here politeness matters. पोलाइटनेस मैटर्स. जब आप किसी सभ्य सोसाइटी में बोल रहे हो, जब किसी एक अच्छे सेट में आप बोल रहे हैं, पढ़े लिखों का सेट है, देन यू हैव टू पोलाइट. यू हैव टू एडॉप्ट स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज, तो उसको हम बोलते हैं पोलाइटनेस. पोलाइटनेस तो अंग्रेजी में हम दो वर्ड तो कॉमन है जिसको जो जानते हैं. पोलाइटनेस जो है शुरू होता है प्लीजिंग. प्लीज या काइंडली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इनका सबसे ज्यादा अभी तक उपयोग हुआ है बोलने में, अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी का इस्तेमाल करने में. लोगों ने इसका बहुत इन्हें सेट ऑफ कल्चर्ड सोसाइटी, दिस वर्ड पोलाइटनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट. जैसे प्लीज, प्लीज और काइंडली. जैसे प्लीज हेल्प मी, कोई आदमी है और आपको बोला प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज जो है ये इंडिकेट करता है आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. यू आर रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प. यू आर रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. तो इस तरह प्लीज काइंडली. Kindly don't make a noise. Don't make a noise. इसका मतलब हो गया कृपया शोर न करें. Kindly don't make a noise means do not make noise. कृपया शोर न करें. तो please और kindly एक जो है दो ऐसे words हैं जो आपको शुरू में ही आपको इस चीज का बोध कराते हैं कि जो सेंटेंस है वो बहुत पोलाइट है. पोलाइट. अब और आगे देखते हैं कि पोलाइट जो सेंटेंसेस होते हैं वो और क्या देते हैं. जैसे एक तो ये है कि जो रफ लैंग्वेज और जो जो रिफाइंड लैंग्वेज है दोनों में अंतर. जैसे कि आई वॉन्ट ए, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ ब्रेड. ऐसे तो ये एक गवारू चीज हो गया. आई वॉन्ट जो है ये साधारण जगह यूज होता है. इसमें इसको
साधारण जगह यूज होता है, हला मतलब तो निकलता आई वांट आप करते हैं। इसके जगह पर अगर काइंड, अगर इसके जगह आप पोलाइट भाषा का यूज करें तो उसका अर्थ होगा आई वुड लाइक ए पीस ऑफ ब्रेड। आई वांट के जगह क्या लिखोगे, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक ए पीस ऑफ ब्रेड, मैं एक रोटी का टुकड़ा चाहूंगा, और इसका मतलब होगा आई वॉन्ट ए पीस ऑफ ब्रेड। तो ये वाला सही है, ये पोलाइट, ये जो है पोलाइट, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ ब्रेड, आई वुड लाइक टू पीस ऑफ ब्रेड। तो दूसरा वाला आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, ये I would like to have, यहाँ है कभी प्रयोग है, आई वुड लाइक टू हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, आई वुड लाइक टू हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, ये जो है पोलाइटनेस का ये है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं आई वुड लाइक, आई विल हैव ए पीस ऑफ ब्रेड। अब फ्यूचर में भी आप कह सकते हैं आई विल हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, ये भी सही है, लेकिन आई वांट मत कहिए, क्या लिखेगा आई विल हैव, ये चलेगा आई विल हैव पीस ऑफ ब्रेड या आई वुड लाइक टू हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, ये ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पोलाइट जो शब्द हैं उनको बोलने की कोशिश कीजिए, पोलाइटनेस, और इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं करें। इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग जो है रोकिंग पोलाइटनेस में, इम्परेटिव, इम्परेटिव आज्ञा सूचक वाक्य जो है, डोंट यूज इम्परेटिव सेंटेंस, डोंट यूज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं करें, जैसे गो देयर ऐसे नहीं कहें, कम हियर नहीं ऐसे नहीं कहो, हेल्प मी ऐसे नहीं कहो, तो ऐसा गिव मी ए पेन ऐसा पोलाइटनेस में नहीं होता। तो इसको इस तरह कैसे कहोगे, जैसे कुड से, कुड कुड यू, हमने बताया था कुड, कुड यू हेल्प मी, हमने इसका उच्चारण बताया था कुछ, कुछ यू हेल्प मी, कुछ यू हेल्प मी, कुछ यू हेल्प मी, इसको क्या पढ़िएगा, कुछ यू हेल्प मी, कुछ यू हेल्प मी, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, कुछ यू हेल्प मी ऐसे पढ़ा जाता है। और तो इस तरह से जैसे कुड यू स्पेयर मी अ मिनट, कुड यू स्पेयर, जैसे कुड यू गिव मी ए मिनट की जगह कैन यू गिव मी ए मिनट की जगह कुड यू स्पेयर मी ए मिनट, क्या आप मुझसे आप अपना एक मिनट हमें देंगे, तो ऐसे इस तरह से कुछ किया जाता है। और उड का ही प्रयोग करते हैं पोलाइटनेस, पोलाइटनेस में उड का ही प्रयोग करते हैं, जैसे उड यू माइंड स्मोकिंग मी, वुड यू माइंड स्मोकिंग, वुड यू माइंड स्मोकिंग, ये जो है क्या कहते हैं कि बहुत ही विनम्र जो है ये लहजा है,
कुड यू माइंड स्मोकिंग हियर, जैसे जो भद्र पुरुष होते हैं वो जानते हैं सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है और सोसाइटी के सामने भीड़ में भी नहीं पीना चाहिए, तो वो कहीं ऐसे जगह जाएंगे और वहाँ पर कोई आदमी है उनसे इजाज़त लेंगे पहले, क्या कहेंगे, कुड यू माइंड स्मोकिंग हियर, अगर हम यहाँ सिगरेट पिए तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही शिष्टाचार का सेंटेंस है, दिस इज़ ए कर्टियस सेंटेंस एंड यूजली स्पोकन इन ए कल्चर्ड सेट ऑफ सोसाइटी, इन ए कल्चर एंड एजुकेटेड सेट ऑफ सोसाइटी इट इज़ सेट। तो कुड यू माइंड स्मोकिंग हियर, कुड यू माइंड स्मोकिंग हियर, ऐसे करके। और अच्छा प्लीज भी कर सकते हो, कुड यू प्लीज चेंज योर नेम, कुड यू प्लीज चेंज योर नेम, कुड यू प्लीज चेंज मी, योर नेम। हालांकि हमने आपको इसके बारे में बताया था, कुड से भी इसका प्रयोग हो सकता है, कुड यू टेल व्हाट योर नेम इज, ऐसे भी होता है। तो ये भी एक है, कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, ऐसे करके। तो ये भी एक अच्छा सेट है। और इसके बाद है, अब जो है टेल मी नहीं कहा जाता, टेल मी से कोई चीज़ नहीं शुरू करो, अगर आपको टेल मी से शुरू करना है जैसे टेल मी योर नेम तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिना प्लीज वगैरह टेल मी ऐसे करते रहे, तो अगर टेल मी से कहना है तो आप ऐसे टेल मी का प्रयोग करना नहीं, इसका प्रयोग जो है रोकिए, तब कहिए लेट से बताइए, लेट मी नो योर नेम। अब टेल मी जगह के जगह आप जो क्या करेंगे, लेट मी नो योर नेम प्लीज, ये पोलाइट है, लेट मी नो योर नेम, ये पोलाइट सेंटेंस है, इसको हम पोलाइट सेंटेंस कहेंगे, लेट से। और इसी तरह से जैसे हर जगह हम लोग आई एम सॉरी, जब कोई गलती करते हैं जानबूझ के करते हैं तो फिर बोलते हैं आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी यू शुड नॉट रिपीट, ऑलवेज रिपीट आई एम सॉरी, तो ये अच्छा नहीं लगता और ये पोलाइट भी नहीं है। तो क्या कहना चाहिए, आई एम सॉरी की जगह पर क्या करते हैं, कई चीज़ कहें, जैसे आई एम सॉरी आप लिखते हो, इसको पोलाइट सेंटेंस में नहीं रहती है, तो इसके जगह पर क्या करेंगे कि आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, I think you might be mistaken. I think you might be mistaken. I'm sorry, किसी का। या I'm afraid. I disagree. I respectfully disagree. आप इसको कह सकते हैं, I respectfully disagree with you on this point. तो इसको I disagree, I'm afraid, I think you might be mistaken, इस तरह का expression आपको देना चाहिए। जैसे इस, तो और आगे चलते हैं, तो इस तरह का इस expression को रोकिए, I'm not sure that is good idea.
आई एम नॉट श्योर दैट इज गुड आइडिया. इस तरह के सेंटेंसेस को रखना चाहिए. ये अच्छा तरह का सेंटेंस है, इस बैड सेंटेंस. तो इसके जगह पर क्या बोल सकते हैं, आई हैव फ्यू कंसर्न. मतलब आई हैव फ्यू कंसर्न पोलाइटनेस का एक्सप्रेशन है. आई हैव फ्यू कंसर्न, आई हैव फ्यू कंसर्न का मतलब होता है कि आपसे हमको कुछ शिकायत करनी है. आई हैव फ्यू कंसर्न मतलब कुछ शिकायत की चीजें हैं. कंसर्न, आई हैव फ्यू कंसर्न, हम शिकायत की कुछ नहीं. या इस तरह से कह सकते हो, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड कह सकते हो कि हमको संतुष्ट नहीं है जो आपने कहा. I'm not quite satisfied. I'm not quite satisfied. With this, I'm not quite satisfied with this. So, I'm not quite satisfied. I have few concerns. I'm not quite satisfied with this. इस तरह से आप कह सकते हो जब आपको कोई शिकायत है, शिकवा है किसी तरह का, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो. आगे बढ़ते हैं. जैसे ये एक चीज़ और बराबर हम लोग रिपीट करते रहते हैं, I don't like. इसको बराबर रिपीट कर, आई डोंट लाइक. ये आजकल हो गया, आई डोंट लाइक. इसको रिपीट नहीं कीजिए, इसको रिपीट नहीं कीजिए, डोंट रिपीट. ये जो है अच्छा नहीं माना जाता है, रफ है. उसके जगह पर आप दूसरी चीज़ लिख सकते हैं, आई वुड प्रीफर. इसके जगह पर आप लिखेंगे आई वुड प्रीफर, ऐसे आई वुड प्रीफर. Tea to coffee, कॉफ़ी की जगह हमको चाय पसंद है. तो हम आई वुड प्रीफर के प्रयोग कीजिए, आई डोंट लाइक की जगह आई वुड प्रीफर. या निगेटिव में भी आप लिख सकते हैं, यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर. यू हैड बेटर नॉट, You had better not remain here. You had better not remain here. आपको यहाँ नहीं रहना है. तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या आई हैड रादर टेक दिस देन दैट. हमको ये लेना है वो नहीं. आई हैड रादर टेक दिस देन दैट, आई हैड रादर टेक दिस और देन दैट. इस तरह से भी बोल सकते हो. तो यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर. आई हैड सूनर रन देन वॉक, आई हैड सूनर रन देन वॉक. तो ये जो है पोलाइट एक्सप्रेशन है, दिस इज़ अ पोलाइट एक्सप्रेशन. तो गाइस, आज हमको आपके को हमने कुछ जो है ये सिखा है कैसे पोलाइट एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं. अब हम जो है दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं कैसे बोला जाता है. तो आज हम इसमें हम आप कुछ वर्ड्स लेंगे और आपको बताएंगे कि आप तो इसको कैसे बोलना है. और ये साधारण चीज़ें हैं, आप हर वक्त बोलते रहते हैं लेकिन सही नहीं बोलते, तो इसलिए हम आपको ले करके आए हैं. जैसे
WATER, इसको आप कैसे बोलते हो, और ये इसको बोलते हैं वाटर नहीं बोलते हैं, इसका इसका उच्चारण वाटर नहीं होता है, इसका उच्चारण हम बोल रहे हैं ओटर 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 ओटर, और इसका उच्चारण फायर नहीं होता है, इसका उच्चारण होता फायर फायर फायर, तो इसका उच्चारण हम लिख देते हैं, इसको बोला जाता है तो बोलते हैं वोटर। हाँ, वोटर वोटर ऐसे बोला जाता है, फायर इसको बोला जाता है, फायर इसको बोलता है वोटर वोटर, वाटर नहीं वाटर नहीं वोटर वोटर। और ये जो बोलते हैं तीसरा पीरियड है चौथा पीरियड, इसका सही उच्चारण क्या होता है, और ये बोलते हैं सीरियस, इसका सही उच्चारण क्या होता है, तो इसका उच्चारण होता है पी अ, पहले होता है पी अ री अड पी अरियट पी अरियट, इसका उच्चारण पी अरियट ऐसा होता है, पी अरियट पी अरियट ऐसे ये होता है, उसी तरह से होता है सी अरियस होता है, इसका उच्चारण होता है सी अ री अस सी अरियस। हाँ, और इसी तरह से इंक्वायरी, सारे उच्चारण जो है आप लोग गलत करते हैं, हमने आपको ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बता रखा है, आप उससे मदद ले सकते हो। जैसे अब जैसे ये देखिए यस ओ एफ ए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं सोफा, सभी लोग बोलते हैं सोफा, ऐसे नहीं, इसका उच्चारण होता सौफा, इसका उच्चारण होता है सौफा, तो इसको लिखते हैं यफ़ा सौफा 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 सौफा, सोफा नहीं होता है। इसी तरह से हम बताएंगे इंडिया, जो आप लोग इंडिया बोलते हो यहाँ पर इंडिया नहीं है, इन डी अ इंडिया, इस तरह से सोफा सोफा इंडिया, तो ये सोफा इंडिया, और देश का नाम है आयरिश, आयरिश देश है, जानते हैं आयरिश में कौन पैदा हुआ था, एक डब्ल्यू बी ईस्ट नाम का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आयरिश 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 आई आर आई, इसका उच्चारण होगा आ आ, ये शब्द आयरिश आयरिश आयरिश। तो गाइस इसी तरह से इसी से जूरी हुआ, इसको बोलते हैं जू आरिश जूअरी, जूरी नहीं होता जूअरी, तो आ मिला हुआ होता जूअरी, तो ये कुछ उच्चारण हैं, ग्रेजुअली एक दो उच्चारण आप सीखते जाइए, छोटे छोटे उच्चारण हैं जो बोलने में काम आएंगे, तो विद दिस दिस पोलाइटनेस एंड विद दिस प्रोनाउंसिएशन आई क्लोज हियर, सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए एंड देन यू लाइक एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच. अच्छा तीस बहुत बहुत बात.